तो दोस्तों मानसून जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जो है बहुत जगहों पर बारिश शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ पर भी जो है लगभग हर दिन बारिश हो रही है। तो फिर भी इतनी बारिशों में भी आप मेरे सारे गुलाब को मैं आज आपके साथ दिखाऊंगी कि फिर भी देखिए मेरे किसी किसी गुलाब में जो है बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए गुलाब के पौधे हो और उस पर फ्लावर ना दिखे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैं कोशिश करती हूँ मेरे गुलाबों पर जो है पूरी सीज़न में थोड़ी बहुत फ्लावरिंग ले सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गुलाब। और हर वक्त मैं चाहती हूँ कि मेरे जो पौधे हैं गुलाब के पौधे हैं उन पर अच्छे अच्छे से जो है फ्लावरिंग हो, क्योंकि अभी जो है फ्रेंड जो सीज़न हो रही है गर्मी की और बारिशों में, तो इस वक्त तो वैसे भी गुलाब जो है बहुत ही कम आते हैं, लेकिन फिर भी आते रहते हैं तो अच्छे लगते हैं हमें। अभी देखिए गुलाब की साइज़ भी बहुत छोटे आते हैं, देखिए इस तरह से बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर फूल खिले तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी देखिए हर रोज़ बारिश होने की वजह से मेरे पौधों की कंडीशन भी आप देख सकते हो। लगभग हर एक पौधे की जो है पत्तियाँ अभी येलो हो रही है, गिर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इस पर जो है घबराने वाली कोई बात नहीं है। गुलाब की पत्तियों का इस तरह से येलो हो जाने का कारण है बहुत ज़्यादा बारिश। अभी जो है हर रोज़ बारिश होने के कारण से जो है हमारे गुलाब की मिट्टी जो है सूख ही नहीं पा रहे हैं। हर रोज़ बारिश इनको जो है सहना पड़ रहा है। और मेरे जो गुलाब है वो सारे के सारे ओपन टेरिस पर रखी हुई है, तो हर रोज़ इनको जो है बारिश का सामना भी करना हो रहे हैं। तो इसी के कारण जो है बहुत सारी गुलाब की पत्तियां अभी जो है मेरी येलो हो रही है और गिर रहे हैं। तो इसके लिए जो है फ्रेंड्स बारिश में हमें जो है बहुत ज़रूरी दो काम करने होते हैं, जो मैं अभी कर रही हूं और मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूं कि आपकी भी अगर गुलाब है तो आप ये काम ज़रूर करिए। इन दोनों काम को आपको जो है अभी ज़रूर करने हैं। तो उससे पहले दोस्तों मेरी आप चारों कटिंग एक बार थोड़ी सी देख ले। ये देखिए चारों के चारों कटिंग जो है बहुत अच्छे से लग चुके हैं, और यहाँ पर देखिए एक छोटी सी कली भी आ गई है इस छोटे से कटिंग के अंदर। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, और जब भी ये कली जो है खिलेगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए चारों कटिंग्स जो है देसी वैरायटी के कटिंग मैंने लगाया था और बहुत ही अच्छे से ये चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी कौन से काम हमें करने हैं वो उसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो पहले तो देखिए जितने सारे इस तरह से घास फूस उठ रहे होते हैं बारिश के सीज़न में जो है ये सब उठते ही रहते हैं, हर एक पौधे के अंदर आपको मिलेगी। तो इन सबको पहले जो है हटा देना है, इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इनको जो है हटा देना है। और मिट्टी जो है गीली रहती है तो आसानी से जो है ये उठ भी जाते हैं। और उसके बाद जो है इस तरह से हमें गुड़ाई करनी है हर एक पौधे की। देखिए इस तरह से जो है हमें गुड़ाई करना है, क्योंकि गुड़ाई करने से फ्रेंड्स हमारे जो गुलाब के पौधे के अंदर जो पानी की ठहराव है वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे हो जाते हैं, और जब भी बारिश होती है तो पानी जो है तुरंत निकल जाती है। और एक काम आप यहाँ पर कर सकते हो जैसा कि मैं करती हूँ, देखिए इस पॉट के अंदर किस तरह से, तो इस पर जो है मैं थोड़ी सी गुड़ाई कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं करती हूँ यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस तरह की एक मैंने यहाँ पर रॉड ले लिए हैं। आप चाहो तो किसी भी तरह की एक मजबूत चीज़ इस तरह से ले लेनी है, और इस तरह से देखिए मैं दबा दबा कर जो है मिट्टी पर थोड़ी थोड़ी से इस तरह की होल बनाती हूँ, एकदम नीचे तक इस तरह की होल बनाती हूँ, ताकि जब भी इस पर पानी गिरे तो बिल्कुल पानी रुक नहीं पाए और अच्छी तरह से जो है पानी पूरी निकल जाए। इससे क्या होता है, मैंने देखा है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छी रहती है, और ख़ास करके बड़े वाले जितने भी पॉट होते हैं उन पर आप जो है ये काम कर सकते हो। और सिर्फ गुलाबों पे नहीं, आप किसी भी पॉट के अंदर ये काम कर सकते हो, उससे जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छी रहती है। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद जो ज़रूरी काम करने हैं वो है फंगिसाइड देना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बारिशों के दिनों में। हर हफ्ते ये काम आपको करनी है, और गुलाब पर जब आप भी फंगिसाइड दे तो आप कोशिश करिए थोड़ी सी जो है अच्छी वाली फंगिसाइड आप ले लें। यहाँ पर मैं एमिस्टर टोप ले रही हूँ, ये देखिए इतना सा जो है एक लीटर पानी के अंदर आप 1 से 1.5 ml जो है एमिस्टर टोप मैं यहाँ पर मिला रही हूँ। अब कोई भी फंगिसाइड अच्छी वाली फंगिसाइड आप ले लें, और हफ्ते में एक दिन आप ज़रूर ये काम करिए। जब भी बारिश हो जाए और पत्तियाँ जो है वो सूख जाए उसके बाद ही जो है ये काम आपको करनी है।
और फंगिसाइड देने के बाद देखिएगा कि जो है 4-5 घंटे तक जो है बारिश फिर से ना हो। अगर उस आप फंगिसाइड देने के बाद बारिश हो जाती है 1-2 घंटे के अंदर, तो ये काम जो है दूसरे दिन आपको फिर से करनी है, क्योंकि फंगिसाइड जो है आपको देखना है कि आप जब भी दें तो 4-5 घंटे जो है इस पौधे के अंदर ज़रूर रहे। तो इस तरह से जो है पत्तियों पर भी अच्छी तरह से फंगिसाइड दे देनी है और मिट्टियों पर भी जो है फंगिसाइड आपको दे देनी है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं और एक चीज़ अभी दे रही हूँ, वो है फर्टिलाइज़र की बात। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे नहीं सकते हो, क्योंकि फंगस लगने की बहुत ज़्यादा डर रहती है। तो इसलिए खाना तो देना ज़रूरी है हमारे गुलाबों के अंदर, क्योंकि गुलाब जो है हेवी फीडर होते हैं, तो इनको खाना देना ही देना है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ NPK 2020। कोई भी बैलेंस जो फर्टिलाइज़र है वो आप ले सकते हो, यहाँ पर 19-19 भी ले सकते हो। तो इस तरह से थोड़ी सी मैंने जो है दे दिए है, और फर्टिलाइज़र देने के बाद तुरंत थोड़ी सी पानी आप जो है इस पर दे दें, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, और जब भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र देते हो तो तुरंत जो है पानी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं दे रही हूँ अभी जो है, ये देखिए सीवीड, तो सीवीड भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये मेरे पास ग्रेनुल फॉर्म में है, तो मैं इसकी भी देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लेती हूँ, और बस इसी तरह से जो है दे देना है, और थोड़ी सी जो है पानी भी दे देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए NPK जो मैंने बताया है वो आप जो है चाहो तो पानी पर घोल कर भी दे सकते हो। 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml NPK ले लेना है, और अच्छी तरह से जो है पानी को मिला लेना है, और उसके बाद जो है आप स्प्रे भी कर सकते हो। तो ये कुछ काम है फ्रेंड्स अभी मैं मेरे गुलाब के अंदर कर रही हूँ बारिश के टाइम। तो दोस्तों मेरे सारे गुलाब तेज़ धूप में और बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा बारिशों में इसी तरह से चल रहे हैं। आप भी अपने गुलाबों की जो है थोड़ी सी ध्यान रखिए दोस्तों। तो मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।